मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ रही है, हिंदू की आबादी कम हो रही है, धर्मांतरण का खतरा है। खंडवा की अनाज मंडी परिसर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा एवं शौर्य संचलन कार्यक्रम चर्चा में आ गया। दरअसल इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने यह कह डाला कि हिंदुओं को 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मिलिंद परांडे से जब ये पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो सुनिए उन्होंने क्या तर्क दिया। ऐसा है कि हिंदू की आबादी कम हो रही है, धर्मांतरण का खतरा है, मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ रही है। जहाँ पर हिंदू आबादी घट जाती है, देश की अखंडता के लिए खतरा हो जाता है, यही इतिहास है। और इसलिए हिंदू इस देश को पुनः खंडित नहीं होने देना है, तो हिंदू आबादी ही बड़े प्रमाण में चाहिए। हिंदू आबादी कम नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, इसे हम यह आह्वान करते हैं। भाई साहब, लंबे समय बाद त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, तो क्या इसे ये समझा जाए कि मथुरा आंदोलन के लिए विश्व हिंदू परिषद तैयारी कर रहा है अपनी, या ऐसा कोई बड़ा आंदोलन भविष्य में? ऐसा है कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह हिंदू समाज का संकल्प है, तो हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करके रहेगा। जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद का विषय है, राम जन्मभूमि के आंदोलन का नेतृत्व हमने किया, वो विषय भी अभी पूर्ण होने जा रहा है, इसे हमारा फोकस अभी पहले राम जन्मभूमि के मंदिर को पूर्ण करने पे रहेगा। और हमारी अपेक्षा है कि 2023 के दिसंबर तक भगवान श्री राम जी गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मथुरा को लेकर क्या? मैंने कह दिया, हिंदू समाज का जो संकल्प है काशी मथुरा का, वो हिंदू समाज पूर्ण है, तो पूर्ण समाज में इसके बारे में जागरण करना है, क्योंकि लव जिहाद में अधिकतर समय झूठ नाम बताकर, झूठ आईडी बनाकर सोशल मीडिया में, ऐसा यह स्वयं को हिंदू बताकर मित्रता की जाती है। और इसलिए समाज में जागरण करना बहुत आवश्यक है कि इस तरह के लोग आते हैं, किस तरह से षड्यंत्र चलते हैं। दूसरी बात है कि विश्व हिंदू परिषद ने अभी प्रयत्न करके 6-7 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने में मदद की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ऐसे अनेक राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून, और वह कर्नाटक में भी अभी है। तो इसलिए उसमें हमने लव जिहाद का विषय भी डाला है, क्योंकि वो एक धर्मांतरण का प्रयत्न है, और इसीलिए इसके बारे में जागरण, इसके बारे में कानून, ये दोनों तरीके से हम प्रयत्न। कार्यक्रम के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य संचलन भी निकाला, लेकिन मिलिंद परांडे का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बयान सीधे सीधे सरकार द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम को चुनौती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।